हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। हम एक इंट्रोडक्शन इसमें पढ़ते हैं कि कौन कौन सी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं। हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को इन कैटेगरी के अंडर पढ़ सकते हैं। कुछ होती है कंजेनाइटल, कुछ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है, कुछ फंक्शनल है और कुछ इन्फेक्टिव कंडीशंस में आती है। तो एक एक करके हम सबका थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इसको हम क्या बोलते हैं, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ भी बोलेंगे। इस्कीमिक हार्ट डिजीज, इसमें क्या होगा, जो हार्ट हार्ट को ब्लड सप्लाई करे, मतलब कोरोनरी आर्टरी है उसमें क्या होगा, जैसे ये आर्टरी है इसमें क्या होगा, प्लाक फॉर्मेशन होगा। प्लाक फॉर्मेशन होगा तो जो हार्ट के टिश्यू है उनको ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं। तो कई बार ब्लड सप्लाई जब ज्यादा ही कम हो जाए, बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाए, तो पेशेंट को एक्यूट MI भी आ सकता है। ठीक है। और कोरोनरी आर्टरी में अगर जो प्लाक फॉर्मेशन है वो इतने ज़्यादा एक्सटेंड का नहीं है तो उसको एंजाइना होगा, मींस चेस्ट पेन होता है। तो एंजाइना जो है वो दो तरीके का होता है, स्टेबल एंड अनस्टेबल। नाम से ही याद रखना है आपने, स्टेबल एंजाइना मतलब जो जब पेशेंट जिससे पेशेंट स्टेबल हो सकता है। इसमें क्या होगा, पेशेंट जब एग्जर्शन कर रहा होता है, कोई हैवी वर्क कर रहा हो, कहीं चल रहा हो, उस टाइम पे पेशेंट को पेन आएगा। अगर पेशेंट रेस्ट कर लेता है तो वो नॉर्मल हो जाता है। इसमें जो प्लाक होगा वो स्टेबल प्लाक होता है। अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल प्लाक होता है वो। तो पेशेंट को ऐसा पेन रेस्ट के टाइम पे भी आ सकता है, आराम से बैठा है फिर भी चेस्ट पेन चालू हो जाता है, एंड दैट कैन कन्वर्टेड इनटू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। और इसमें पेशेंट को मेडिकेशन आपको देनी पड़ेगी, वरना पेन रिलीफ नहीं होता है। ठीक है। तो ये है हमारी कोरोनरी आर्टरी डिजीज। देन वी कम टू द हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या है, जिसमें हार्ट फेल हो जाता है। हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना, स्ट्रांगली पंप करना, ताकि पूरी बॉडी तक जो भी परफ्यूजन है वो मेंटेन रहे। लेकिन जब हार्ट अपना ही काम नहीं कर पाता है, मीन्स हार्ट इज अनेबल टू मेंटेन अ स्ट्रांग ब्लड फ्लो, इज कॉल्ड हार्ट फेलियर। इससे पेशेंट को क्रॉनिक टायर्डनेस, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है। तो हार्ट फेलियर जो है हमारा तीन तरीके का होता है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। राइट साइडेड हार्ट फेलियर मेनली जब लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होता है, उसी का एंड रिजल्ट है कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर भी होता है। ठीक है। इसमें क्या होगा, जो ब्लड है वो बैकअप होने लगता है, मतलब रुकने लगता है। राइट साइडेड, जब राइट साइड जो हार्ट है वो काम नहीं करेगा, मींस उसका काम क्या है, जो ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है उसको क्या, लंग्स तक पहुंचाना। जब ये अपना काम नहीं कर पाएगा तो ब्लड वापस से बैक जाना शुरू कर देता है टिश्यूज में, तो मतलब कंजेशन चालू हो जाता है कहाँ पे, हिपेटिक एरिया में, स्प्लीन में, एब्डोमेन में, सब जगह। तो वो कंजेशन वहां होना चालू होगा राइट साइडेड हार्ट फेलियर में। देन वी कम टू लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट का क्या काम है, जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से आया है उसको पूरी बॉडी में पहुंचाना। जब वो नहीं पहुंचा पाएगा तो क्या, जो पूरा ब्लड है वो कहाँ, लंग्स में चला जाएगा। तो ऐसे पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये सब सिम्टम आते हैं। देन आता है हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव मतलब दोनों तरीके का हार्ट फेल हो जाता है, इसमें राइट साइडेड भी और लेफ्ट साइड भी, कंजेशन हो जाता है हर जगह। पल्मोनरी एरिया में भी कंजेशन होगा, लीवर में भी होगा, एब्डोमेन में भी होगा, यानी हर तरीके से ब्लड, हार्ट बिल्कुल ही बंद हो गया, पंप कर ही नहीं पा रहा है। तो राइट साइड वाला क्या, पूरी बॉडी में बैक भेजने लगेगा, लेफ्ट साइड वाला जो है वो पल्मोनरी एरिया में भेजने लगेगा। तो यह है हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। देन वी इसमें क्या होगा, हार्ट फेलियर हो रहा है तो मतलब क्या, कार्डियक आउटपुट है जो वो कम हो जाता है। कार्डियक आउटपुट कम होगा तो वीनस रिटर्न कम होगा, वीनस रिटर्न कम होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम एंड अगेन कार्डियक आउटपुट फिर से डिक्रीज हो जाता है। फिर आता है हमारा कार्डियोमायोपैथी। कार्डियो मींस ये वर्ड यूज हुआ है हार्ट के लिए, मायो मींस मसल के लिए, एंड पैथी मींस एबनॉर्मेलिटी, मतलब हार्ट की जो मसल है यानी मायोकार्डियम में उसकी जो भी एबनॉर्मेलिटी है वो कार्डियोमायोपैथी में आएगी। मेन तीन टाइप है, डायलेटेड, हाइपरट्रॉफिक और रिस्ट्रिक्टेड। डायलेटेड जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, इसमें क्या होगा कि ये जो ब्लड है अच्छे से पंप नहीं कर पाएगा। क्यों, फोर्सफुली जो लेफ्ट वेंट्रिकल है हमारा, उसका काम है फोर्सफुली हार्ट को मतलब जो ब्लड है उसको पंप करना, ताकि पूरी बॉडी की जो भी नीड है वो मीट हो सके। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल जब डायलेट हो जाता है तो इतना अच्छा फोर्स नहीं लगा पाता, तो हमारी वो क्या है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी।
हाइपरट्रॉफिक में क्या होता है, हाइपरट्रॉफिक में जो हाइपरट्रॉफी हो जाती है, जैसे ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसकी जो ये मायोकार्डियम है वो हाइपरट्रोफाइड हो जाती है, तो ये स्पेस कम हो गया, अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आने का स्पेस है वो कम हो जाता है, तो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। इसमें क्या होगा, रिलैक्स नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, हार्ट काम तो बहुत ज़्यादा कर रहा है, मतलब इसमें हाइपरकाइनेटिक हार्ट होता है, काम करने की कोशिश बहुत कर रहा है, पंप बहुत फोर्सफुली कर रहा है, लेकिन ब्लड आ ही नहीं पा रहा, इतना स्पेस है ही नहीं, तो वो हाइपरट्रॉफिक है। रिस्ट्रिक्टिव में क्या है, जो रिस्ट्रिक्टिव में भी हाइपरट्रॉफिक के जैसा ही होता है, लेकिन हाइपरट्रॉफी नहीं होती, उसमें जो भी इन्फ्लामेटरी जो भी इन्फिल्ट्रेशंस हैं वो आके जो मायोकार्डियम है उसमें रिसाइड करते हैं और रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, मतलब रिलैक्स नहीं होने देते उसको, वो है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। देन वी कम टू द एओर्टिक डिजीजेज। एओर्टिक डिजीज में हमारा आता है जैसे एओर्टिक एन्यूरिज्म, ठीक है, मतलब ब्लूनिंग आउट हो जाती है, जैसे एओर्टा है वो क्या होती है, ब्लून, ये मेन ल्यूमेन है, सपोज ये मेन ल्यूमन है नॉर्मल वाला, लेकिन एन्यूरिज्म में क्या होगा, ये ऐसे बलून आउट हो जाएगा और ये ऐसा, ये एन्यूरिज्म है, ये बिल्कुल थिन हो जाएगी वो वॉल है, तो रप्चर होने के चांसेस भी होते हैं। देन एओर्टिक डाइसेक्शन, मतलब जहां पे ब्लड मूव करना चाहिए वहां से क्या हुआ, जैसे यहाँ मूव कर रहा है लेकिन ब्लड ने क्या किया, जो दो लेयर है उनके बीच में डाइसेक्ट जैसा कर दिया, ब्लड नॉर्मली यहाँ मूव करना चाहिए था, अब ये डाइसेक्ट होके क्या हुआ, जो दो लेयर है उनके बीच से जाने लग गया ब्लड, वो है एओर्टिक डाइसेक्शन। एओर्टिक स्टिनोसिस हो सकता है, मतलब वो जो एओर्टा है उसकी स्टिनोसिस हो जाएगी, एओर्टिक रीगर्गिटेशन भी हो सकता है। देन वी कम टू द पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज। पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज मतलब पेरिफेरल जो भी आर्टरीज वेन्स हैं उनमें अगर प्लाक फॉर्मेशन हो तो उसकी वजह से होती है पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज। जिस भी एरिया की, जिस भी एरिया को वो इन्वॉल्व करती है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम होगा, जैसे कि रीनल आर्टरी स्टिनोसिस भी हो सकता है। फिर है हमारा वेल्वुलाइटिस, मतलब क्या, वॉल्व जो है उनकी इन्फ्लामेशन होना, तो किसकी, मेनली जो रूमेटिक हार्ट डिजीज है उसकी वजह से होता है। पेशेंट को क्या हुआ, सबसे पहले रूमेटिक फीवर होता है, रूमेटिक फीवर मतलब जो बैक्टीरिया जो स्ट्रेप्टोकोकस है उसकी वजह से रूमेटिक फीवर हुआ, रूमेटिक फीवर की वजह से जो भी वो कॉम्प्लेक्स बनता है वो क्या होता है, हार्ट में जाके रिसाइड करता है और जो वॉल है उनकी इन्फ्लामेशन भी कर देता है, तो रूमेटिक फीवर की वजह से RHD होने के चांसेस होते हैं। देन पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, हीमोपेरिकार्डियम है, और कंजनाइटल हार्ट डिजीज होती है। कंजनाइटल हार्ट डिजीज में मतलब कोई भी हार्ट का या फिर जो सेंट्रल ब्लड वेसल है उनका ऐसा कोई भी डिफेक्ट जो बाय बर्थ प्रेजेंट है वो कंजनाइटल है, तो इसमें हमारा क्या आता है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है, एट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, कोआर्कटेशन ऑफ एओर्टा है, ठीक है, ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स है, टेरिटोलॉजी ऑफ फेलोट है, ये सब आएंगे कंजनाइटल हार्ट डिजीज में। तो ये हमने एक ओवरव्यू देखा है कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस का। थैंक यू।